तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीएस मोटर्स ये टीवीएस के शोरूम पर। अलीगढ़ में पड़ता है बूढ़े बाबा की पुलिया क्वारसी बाईपास रोड पर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा दोस्तों। ये मेरे सामने अभी हाल ही में जो जुपिटर 110 सीसी निकला है, 113 बोलो या 110 सीसी निकला है, इसका मैं पूरा फाइनेंस डिटेल देने वाला हूँ। टॉप मॉडल खड़ा हुआ है मेरे सामने, ये टॉप मॉडल, इसका मतलब इसमें किक नहीं होती है और इसमें आगे डिस्क ब्रेक होता है। तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि कितना कम से कम डाउन पेमेंट आप कर सकते हो, और फेस्टिवल सीज़न यानी कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अगर इस समय आप इस स्कूटर को ख़रीदते हो तो आपको किस तरह का फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस समय कोई भी गाड़ी ले लो टीवीएस की यहाँ बीएस मोटर से, तो 2500 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। देन अगर आपको एक बार में पैसा नहीं देना और फाइनेंस पे ये गाड़ी खरीदनी है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सपोज करिए, ये पीछे जो स्कूटर खड़ा है टीवीएस जुपिटर 110 सीसी टॉप मॉडल में खड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आपको ये फाइनेंस पे लेना है तो कम से कम डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा, तो पहले प्राइस जान लो। ये जो पीछे स्कूटर है पूरी तरह से आपको ऑन रोड पड़ जाएगा 1,07,000 रुपए का, 1,07,000 रुपीज का पड़ जाएगा। और अगर आप 1,07,000 रुपए देने में सक्षम नहीं है तो आप डाउन पेमेंट फाइनेंस पे भी ले सकते हो। तो कितना डाउन पेमेंट जाएगा दोस्तों इसका, मात्र 14,999 रुपए दीजिए और ये चमचमाता हुआ स्कूटर आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। देखो अब भैया 14,999 रुपए तो दे दिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो फोटो और बैंक की पासबुक की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस में जब ये स्कूटर आप कराओगे तो उस समय बैंक को टीवीएस क्रेडिट का मैं फाइनेंस आपको स्कीम बता रहा हूं, तो हर महीने अगर 12 महीने की किस्त बनाई है तो हर महीने आपके अकाउंट से कितने रुपए कटेंगे। तो अगर आपने 12 महीने की बनाई है तो ये कंपनी वाले आपको हर महीने 12 महीने तक 9,104 रुपए आपके अकाउंट से काट लेंगे 12 महीने तक, और 12 महीने के बाद 9,104 रुपए पे करने के बाद ये स्कूटर आपका अपना हो जाएगा। अगर आप 9,104 रुपए देने में भी मतलब सक्षम नहीं है तो आप और भी कम किस्तों पे बनवा सकते हैं इसकी फाइनेंस। तो 18 महीने पे 6,438 रुपए की बन जाती है आपकी किस्त, तो उसमें आप आ सकते हो, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से मतलब 1 से 5 तारीख के बीच में कट जाएंगे 6,438 रुपए, और 18 महीने के बाद ये स्कूटर आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं दे सकते, 6,000 नहीं दे सकते, तो दोस्तों 24 महीने की 2 साल की बना सकते हो। 2 साल में आप मान के चलो आपका जो किस्त बनेगी 5,104 रुपए बन जाएगी, तो उसमें वो बेस्ट है, 2 साल के लिए ले लो, मतलब 14,999 रुपए दो और 2 साल तक 5,104 रुपए भी देते रहो, 5,104 रुपए, तो उसमें ये स्कूटर आपका अपना हो जाएगा। तो ये तो भैया फाइनेंस डिटेल हो गई। अगर किसी तरह की और भी गाड़ी के बारे में फाइनेंस डिटेल चाहिए टीवीएस की किसी भी गाड़ी के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शोरूम का एड्रेस छोड़ा है, एक फोन नंबर छोड़ा है, तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वीडियो को लाइक करके, वहां पर टीवीएस की किसी भी गाड़ी के बारे में फाइनेंस डिटेल ले सकते हो। तो भैया ये फिलहाल मैंने एक ही गाड़ी के बारे में बताया, अगर मैं 1x1 में सब गाड़ी की फाइनेंस डिटेल बताऊंगा तो 2 घंटे की वीडियो होगी भाई साहब, आप देख ही नहीं पाओगे। तो अभी बस 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ जानकारी ले लो, स्कूटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो जब कंपनी आपसे 1,07,000 रुपए ले रही है तो भैया क्या क्या दे रही है वो जान लो। देखो एक ही बहुत ही अट्रैक्टिव ये स्कूटर का जो डिजाइन है आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। देखिए कटिंग वाला देख रहे हैं आप, पहले जो आपका जुपिटर 110 सीसी आता था उसमें इस टाइप की कटिंग्स नहीं थी, ये काफी कटिंग वाला देखने को मिल जाता है, पहले से और ज्यादा स्पेसियस देखने को मिल जाता है ये वाला स्कूटर। आप सीट देखिए, देख रहे हैं आप, जैसे सपोज करिए आप फैमिली के मतलब से लेना चाहते हैं, 2 बच्चे हैं या 3 लोग बैठना चाहते हैं, वैसे तो 2 लोग अलाउ हैं, इमरजेंसी केस में बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ बैठना चाहें तो आराम से इसमें आराम से आ जाएंगे आपकी फैमिली वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि सीट काफी लंबी हो जाती है। और दोस्तों अगर फैमिली के मतलब से ले लिया है ये स्कूटर और सामान वगैरह, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से सामान आप लेकर आए, तो सामान के लिए आपका बूट स्पेस, आपको 33 लीटर का स्पेसियस बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक तरफ हेलमेट रख दो और एक तरफ अपनी सब्जी तरकारी भुजिया वगैरह रख दो,
और दोस्तों अगर हेलमेट आपका थोड़ा सा मोटा है तो ये देखियो, ये अंदर की तरफ दबते हैं, स्पंज है ये अंदर की तरफ दबते हैं, आप आएंगे फील करेंगे तब देख पाएंगे इस फंक्शन को। कोई वैसे बूट इसमें इसमें लैम्प की व्यवस्था नहीं है, जैसे लाइट वगैरह लगा दें। और चार्जिंग सॉकेट दोस्तों आपको आगे देखने मिलेगा, यानी कि आप अपना मोबाइल वगैरह भी इस स्कूटर में चार्ज कर सकते हो। देखिए पास से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ये देखिए USB टाइप मोबाइल चार्जर है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूटर की, ये की देखने को मिलेगी, इस टाइप की है, TVS लिखा हुआ है ये। अब चाबी में लगा देता हूँ इसके इग्निशन में, आप देखिए मैंने ये चाबी लगा दी है और ऑन होने के बाद किस तरह से लगता है ये देखिए, ये इसका मीटर कंसोल है। तो पूरी तरह से टॉप मॉडल है, तो भैया फंक्शन भी देखने को मिलता है, नेविगेशन देखने को मिलेगा, ये हेलमेट बोलने के पहनने के लिए बोल रहा है, हेलो राइडर वेलकम कर रहा है आपका, टाइमिंग देखने को मिलेगी, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर रेंज माइलेज वगैरह सब देखने को मिलेगा। और 5.1 लीटर इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, आगे से तेल भरा जाएगा, फ्यूल देखो ये दिख रहा है। और आपका चेक इंजन का, हाई बीम लो बीम का, आइडल का, स्विच का नोटिफिकेशन और वार्निंग लाइट्स का नोटिफिकेशन सारा कुछ, मतलब एक इंसान को एक राइडर को जो चीज़ की ज़रूरत है ना वो सब कुछ इसमें मिलेगा टॉप वेरिएंट में। और नेविगेशन का फंक्शन देखने को मिला, बोलकर भी आपको ये स्कूटर अपनी आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा, और कॉल और SMS का अलर्ट भी, यानी कि यार है कॉम्बो है भाई साहब, मस्त लग रहा है और फंक्शन के मामले में भी बहुत बढ़िया हो जाता है। ये एक बटन है, देखिए ये जो बटन है ना आइडल स्विच का, ये बंद खोलने से ऐसा नहीं है मैंने बंद कर दिया तो आपका इंजन बंद हो जाएगा, ये आइडल को ऑन ऑफ करने का, आइडल का मतलब आपको मैं बता दूं कि इसका अगर इंजन जो है अगर थोड़ा सा हीट अप हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, तो आपने जैसे सपोज करें ट्रैफिक लाइट, एक एग्जांपल हम ट्रैफिक लाइट का ले लेते हैं, ट्रैफिक लाइट अभी लाल पे है, तो जैसे ही आप ट्रैफिक लाइट पर रोकोगे तो 5 सेकंड बाद ना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, 5 से 7 सेकंड बाद बंद हो जाएगा स्कूटर। अब जैसे ही थॉटल दोगे, सेल्फ देने की जरूरत नहीं है, थॉटल दोगे तो ये स्कूटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। स्विचेस में ये आपका सेल्फ का और वॉइस कमांड का, हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच इसके अंदर, और इंडिकेटर, हॉर्न का भी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त हॉर्न है। और इंट्रोड्यूस कराए इस स्कूटर में TVS वालों ने इन्फिनिटी बार लैम्प, देख सकते हैं व्हाइट कलर का, काफ़ी अच्छा DRL लग रहा है, कनेक्टेड बोल सकते हैं, कनेक्टेड बार हैंड बोल सकते हैं, है ना, बार लैम्प बोल सकते हैं, और इंडिकेटर इसी के अंदर अटैच है, ये देखिए काफ़ी और अट्रैक्टिव लग रहा है TVS का लोगो। और इसकी हेडलाइट जो है पूरी तरह से LED में देखने को मिलती है। बस अगर नीचे बढ़े आते हैं थोड़ा सा और, तो इसका मडगार्ड है आपका मेटल में देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, अलॉय व्हील में देखने को मिलता है, 90x90 12 इंची में इसका टायर देखने को मिलता है, और डिस्क जो है इसका डिस्क ब्रेक में देखने को मिलता है, ये देखिए डिस्क ब्रेक में। आपको अगर मैं साइज बताऊं डिस्क ब्रेक का, तो 220mm का इसका डिस्क ब्रेक का पैडल डिस्क देखने को मिलता है, ये पैडल डिस्क कहलाता है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स में है। और साइड वाला अगर मैं प्रोफाइल की बात करें तो जुपिटर लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा बड़ा, और मेटल में देखने को मिलता है साइड प्रोफाइल, क्या ये भी मेटल में है इस बार, ये वाला फाइबर में, ये एक्टिवा में मेटल में देखने को मिलता है, ये आपके फूटरेस देखने को मिल जाते हैं ये देखिए। पर इस स्कूटर में दोस्तों किक देखने को नहीं मिलेगी आपको, ये विदाउट किक देखने को मिलेगा टॉप मॉडल। वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 113 cc का इसके अंदर इंजन देखने को मिलता है, 113.0 cc का, और 7.91 BHP की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क इस इंजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पीछे आपको 3 टाइम एडजस्टेबल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन, बैक प्रोफाइल देखो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त और गदर लग रही है, देखो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पर आ जाती है, फिनिशिंग अट्रैक्टिव बना रही है। और ये पूरी तरह से बैक लाइट है, और ब्रेक लाइट भी इसी में अटैच है, इंडिकेटर भी इसी के अंदर अटैच है, जला कर दिखाऊँ इंडिकेटर जलने के बाद कैसा लगता है ये देखो, है ना, इसी के मतलब रेड को ही ऑरेंज कर दिया, यानी कि मतलब एक बोल सकते हैं मिक्सचर वाली लाइट बोल सकते हो। ये देखो TVS का, ये देखो कितना प्यारा अच्छा लग रहा है, यहाँ नंबर प्लेट लगी है, और आपका पीछे का मडगार्ड भी काफ़ी चौड़ा देखने को मिल जाता है, ये साइलेंसर है ये, और पैर रखने की जगह दोस्तों काफ़ी स्पेसियस देखने को मिल जाती है, ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, हुक देखने को मिल जाता है, और पेट्रोल आगे से भरा जाएगा ये चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। और एक चीज़ और, जैसे ना शॉर्ट हाइट पीपल होते हैं, इसकी ना सीट हाइट भी अच्छी खासी शॉर्ट देखने को मिल जाती है, 765mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस स्कूटर का आपको देखने को मिलेगा 163mm का। अब मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, आपको कलर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूँ, इस कलर का नाम है स्टार लाइट ब्लू ग्लॉस कलर, चमकने वाला। इसमें एक बहुत ही मेरा फेवरेट जो कलर है, अगर आपको प्लानिंग कर रहे हो तो डॉन ब्लू ले लेना, मैट फिनिशिंग में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है वो कलर, ये देख लो।
वहीं अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो देखो आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यानी कि SBT सिंगिंग राइट ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। आप पीछे का ब्रेक लगाते हो तो आगे का भी लगता है। और दोस्तों इन ब्रेक्स में आपको हैंड ब्रेक भी देखने को मिलता है, ये लग गया हैंड ब्रेक स्लोप या अगर ढलाई वगैरह पे खड़ा है, ढलान पे या हिल्स एरिया के लिए लिया गया है तो आप हैंड ब्रेक लगा के स्कूटर को खड़ा कर सकते हो, आपका स्कूटर आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हल्का सा पुश करो, ये स्कूटर हट जाता है। अगर कोई और डिटेल्स स्कूटर के बारे में जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वहीं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज यार स्कूटर होने के बावजूद भी माइलेज ऐसा दे रहा बाइक के बराबर, मतलब मैंने अभी शोरूम पे पूछा था तो लोग जो स्कूटर लेकर गए उन्होंने काउंट किया है तो 55 तक का भी ये माइलेज निकालने लगा है। लेकिन कंडीशन वही हो रहती है कि अगर आप एक बेहतर कंडीशन पे चलाए, बेहतर कंडीशन का मतलब वही होता है कि मतलब टायर प्रेशर अच्छा लोगो, ज़्यादा लोड मत दो स्कूटर पर। और एक बहुत ज़बरदस्त फीचर और निकाला है स्कूटर में, ये देख लो TVS आईगो असिस्ट इसके अंदर फंक्शन देखने को मिलता है। जब आपके स्कूटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है इसको, तो ये बैटरी से भी पावर लेता है। ये देखो इस स्कूटर में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इस स्कूटर में देखने को मिलती है। बैटरी से नहीं चलता लेकिन पावर, जब आप जैसे सपोज करो पुल पे चल रहे हो, आपके इंजन को लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी सी ज़्यादा और पावर चाहिए, तो अगर वो पेट्रोल से लेता, वो पेट्रोल से ना लेके बैटरी से लेता है, इसीलिए इसका माइलेज ज़्यादा है। ये चीज़ कहलाती है TVS आईगो असिस्ट, टॉप मॉडल में देखने को मिलती है और आपका आपको पावर अच्छी मिल जाती है। ये देख लो बाकी जबरदस्त हो जाता है, पीछे से देख लो, ऊपर से देख लो, साइड से देख लो, फ्रंट से देख लो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप लेना चाहते हो इस त्यौहार पे, अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।